हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चूहे चूहे आजकल ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गए हैं, हर घर में चूहों की दिक्कत हो गई है। चूहे कितने भी आप केयर से सामान को रखो और बहुत कीमती कीमती सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। लकड़ियों का सामान हो, चाहे वो हमारी खाने पीने की चीज़ें हों, हर चीज़ को गंदा कर देते हैं। और जहाँ चूहे होते हैं ना, वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा तो इस बात का होता है कि घर में सांप आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चूहों की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से घर में सांप आने का खतरा बढ़ जाता है। तो बस आज हम चूहे भगाने की आपको दो टिप बताने वाले हैं। तो पहली टिप है मेरी कॉइल को लेकर। यह मैंने यहाँ पर मच्छर मारने वाली कॉइल ले ली है और इस कॉइल को ना तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इस बाउल में रख लूँगी, क्योंकि चूहों ना इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और हमारी कीमती कीमती सामान भी ख़राब हो जाते हैं। और आप कितना भी सामान को ढककर रखो, लेकिन चूहे ना कहीं ना कहीं से अपनी जगह बना ही लेते हैं। और चूहों की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज एक चूहों के लिए हम अपना जुगाड़ बनाते हैं। जो मैं अपने लिए यूज़ करती थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और इसकी वजह से ना चूहे मेरे किचन से सारे भाग चुके हैं बाहर, एक भी चूहा नहीं नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारी कॉइल को ना तोड़ लिया है, और अब इस कॉइल को तोड़ कर मैंने बाउल में रख दिया है। तो बाउल में रखने के बाद ना अब ये हमारी इतनी बारीक नहीं हुई है जिससे कि हम इसका आगे कोई यूज़ कर सकें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके जितने भी टुकड़े छोटे हो सकते हैं उन्हें उतना करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम भिगाने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगी। और जो ये थोड़े बहुत ऊपर रह गए हैं, इन्हें भी हम पानी के अंदर अच्छे से डिप कर देंगे, जिससे कि ये आराम से फूल जाए। और इसे हम करीबन आधा घंटे के लिए साइड में उठाकर रख देंगे, जिससे कि ये क्या होगा कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और तब तक हम इसकी दूसरी टिप बना लेते हैं। तो दूसरी मेरी टिप है इसी कॉइल को लेकर। कॉइल का भी वही छोटा छोटा पीसेस कर लेंगे हम इसको। और मैंने यहाँ पर ना पॉलीथीन बिछा रखी है, क्योंकि मुझे पॉलीथीन की मदद से इसमें इसको पीसना है, क्योंकि वही बरसात का मौसम है। तो बरसात के मौसम में ना इतनी आसानी से पिसती नहीं है, तो मैंने कहा पहले से पॉलीथीन में रख के तब कर लेते हैं। आप कपड़े में भी फोल्ड करके कर सकते हैं, कोई आपके पास पुराना हैंकी हो, टॉवल हो, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पॉलीथीन ज़्यादा बेटर लगी तो मैंने इसे पॉलीथीन में रख लिया है। तो मैंने यहाँ पर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब पॉलीथीन को इसे ना ऊपर से फोल्ड करके और बटने की मदद से इसको हम कूट लेंगे, और इसे थोड़ा ताकत से ही कूटना है जिससे कि आराम से पिस जाए। तो बस मेरी ये पिस चुकी है, और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे पाउडर फॉर्म में आ गई है। अब मैं इसको दूसरी बाउल में निकाल लूँगी और इससे बनाएंगे हम अपनी पहली टिप। तो इसके लिए ना और एक चीज़ चाहिए बहुत ही खास, जो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पता होगा चूहों का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है, मीठा। चूहों को ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर मैंने उनका फेवरेट लड्डू लिया है। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, उसको ले सकते हैं, क्योंकि चूहों को ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है बूंदी का लड्डू। तो बस मैं इसको ना इसको तोड़कर इसमें मिक्स कर लूँगी, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। इस लड्डू के साथ इसे मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, और लड्डू में इतना अच्छा फ्लेवर होता है ना, तो उसकी वजह से चूहों को इसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है और भाग भी जाते हैं। फिर क्या होता है कि इसको चूहों को खाने के बाद नशा होने लगता है, तो वो जल्दी से भाग जाते हैं, तो घर में नहीं रहते बिल्कुल भी चूहे। तो बस मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको ऐसे तो रख नहीं सकते, क्योंकि अब इसका लड्डू तो बनेगा नहीं वापस से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, दो प्लास्टिक के बाउल ले लूँगी। आप जो भी रख सकते, पेपर में रखना चाहते हैं तो पेपर में रख दीजिए, लेकिन ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर आपके बच्चे ना पहुँचें, क्योंकि बच्चों का अगर घर होता है तो बहुत दिक्कत होती है, और बच्चों ने अगर मुँह में दे लिया इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसको लेने के रखने के लिए छोटी छोटी प्लास्टिक की जो बाउल होती हैं वो ले ली हैं। अब मैं उन बाउलों में इसको ट्रांसफ़र करके और जगह जगह रख देंगे, जहाँ पर भी आपके चूहों का बिल हो वहाँ पर रख दीजिए, या फिर आपको लगता है कि जहाँ पर चूहे ज़्यादा आते जाते हैं। तो बस मैंने इन सारी ये निकाल लिए हैं, दोने निकाल लिए हैं प्लास्टिक के, और इन्हीं में इन सबको पलट दूंगी। जितनी जगह भी आपको रखना है आप उतनी जगह रख सकते हैं, आप पेपर में या किसी भी चीज़ पे करके रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर चार जगह ले लिया है, मेरे जगह मुझे मतलब चार जगह रखना था, तो फिर मैंने ये चार जगह पे करके रख लिया है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी रख सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा में भी रख सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना रख सकते हैं, और चूहे फट से भाग जाएंगे। तो बस इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और जो हमने पहला वाला जो हमने पानी में भिगो के रखी थी, उसके साथ हमें क्या करना है वो आगे शेयर करते हैं। तो बस ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इसने एकदम ब्राउन कलर ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ चीज़ें, जिससे कि हम इसका कुछ तैयार कर सकें। तो
यहाँ पर मैंने पुरानी बेकार चम्मच ले ली है और इससे मैं डाल रही हूँ इसमें आटा। इसमें मैं डालूँगी बड़ी वाली चम्मच से 2 चम्मच आटा, या फिर यूँ कहें कि जितनी इसमें क्वांटिटी लग जाए आटे की, जिससे कि ये पानी की मिक्स हो जाए बहुत अच्छे से और पूरे एक डो का रूप ले ले। तो यहाँ पर मुझे अभी लगता है कि थोड़ा और आटे की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा आटा और इसमें मिक्स करूँगी और इस तरह से इसकी टाइट सी एक लुगदी बना लेंगे। ज़्यादा टाइट मत बनाइएगा क्योंकि फिर ये एक दिन में तो ख़त्म होती नहीं है। और यहाँ पर मैंने चूहों का फिर से वही फेवरेट ले लिया है, बिस्किट। तो मैं यहाँ पर बिस्किट को थोड़ा थोड़ा तोड़कर डाल दूँगी और ज़्यादा बारीक नहीं डालना है बिस्किट तोड़कर, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए चूहे भी ना आजकल के बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अगर उन्हें कुछ खाने के लिए अच्छा ना मिले तो फिर वो नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ से इस चम्मच को हटा दूँगी के बाद में छोटी छोटी बॉल बना लेंगे हम अब इसकी, और कोशिश ये करेंगे कि बिस्किट का जो टुकड़ा है वो ऊपर या साइड में कहीं पर भी रहे जो कि दिखाई दे, जिससे कि चूहे इससे अट्रैक्ट हों। तो बस यहाँ पर मैं इसी की छोटी छोटी ऐसी बॉल बना लेंगे, जितनी बॉल आपको जहाँ भी रखनी है उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये टिप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।